हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास टेंथ के हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 8 प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के सभी इस चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखते हैं और फर्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पत्र का जो संपादन किया गया था आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा यानी ऑप्शन ए में यंग इंडिया। तो यंग इंडिया जो पत्र का जो संपादन किया था तो यह किए थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो मराठी जो भाषा का पहला जो उपन्यास कौन था आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन ए होगा, यमुना पर्यटन। ठीक है, तो मराठी भाषा का पहला जो उपन्यास था यह यमुना पर्यटन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नंबर वन और नंबर टू जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं और आपका अगला प्रश्न है, घरे बायरे उपन्यास के लेखक कौन थे। एक ही उपन्यास है, ठीक है, घरे बायरे, और यह किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो घरे बायरे जो उपन्यास है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो पहला जो उपन्यास था यह था ऑप्शन सी यानी दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, तो दुर्गेश जो नंदिनी है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। तो यह एक्ट था बर्नाक्यूलर प्रेस, तो यह किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा, यानी पिकविक जो पेपर्स उपन्यास हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और आपका प्रश्न है, बंगाल गजट क्या है, यानी बंगाल जो गजट है वो क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समाचार पत्र। तो बंगाल जो गजट है वो एक समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ, यानी एक पेशिया जो मैगजीन है वो किस देश में प्रकाशित हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में यानी इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था यह हुआ था जर्मनी में, आप याद रखिएगा, जर्मनी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र कौन था आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में, बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल जो गजट है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और आपका प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सबसे पहला जो मुद्रण की जो शुरुआत हुआ था तो यह हुआ था चीन में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। तो भारत में जो छापाखाना जो कारखाना जो है लगाया था वो किसने लगाया था, यानी किस देश ने लगाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, छपाई सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई। तो छपाई का जो काम सबसे पहले जो
यानी किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था चीन में। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, छापा खाना का आविष्कारक किसने किया, यानी छापा खाना का जो आविष्कार किसने किया या छापा खाना का आविष्कार कौन है, कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में, गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे आपको बताना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में, यानी ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन हैं, ज्योतिबा फुले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो हरिजन एक पत्रिका था और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था आपको बताना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा, यानी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो हरिजन पत्रिका जो प्रकाशित किया गया था, तो यह किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। फ्रेंड, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।